वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और आज के ब्लॉग में जो लास्ट वीडियो था हमारा, जहाँ पे एंड हुआ था सरयू नदी, वहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग मतलब पूरा अयोध्या इसमें कवर कर लिए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कैमरा मोबाइल फोन वगैरह अलाउ नहीं था। और जो एक्चुअल में राम जन्मभूमि है, जहाँ पे अभी भी न्यू दिए हुए थे, मोदी जी ने पूजा किया था, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी थी। मोबाइल कार का जो रिमोट होता है, ये सब जाना ले जाना अलाउ नहीं था। तो वो मोबाइल हम लोग बाहर लॉकर में ही जमा करके गए थे, सो वहाँ का कुछ है नहीं। और इसमें हमने बड़ी हनुमान मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर और दशरथ महल कवर किया है, तो इसको आप लोग देखिए और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आप लोग के साथ, तो वो आप लोग को सबसे पहले मिले। और ऐसे कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, ये तो फ्री है। तो देखते हैं आगे कहाँ कहाँ हमने घुमाया है, कैसा है, तो देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ संतोष नदी का तट है, और ये अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम का पावन धाम। और यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5 लाख दिए दीपावली के शुभ अवसर पर जलाते हैं। यही वो जगह है और यहाँ का दृश्य स्वर्ग के समान जगमगाता है, और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, मन को बहुत ही लुभाता है। तो आप इस जगह पे दर्शन कर सकते हैं, जरूर विजिट करें जब कभी मौका मिले तो। दशहरा के शुभ अवसर पे, दिवाली के शुभ अवसर पे यहाँ आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और असीम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ये है वो पंप जो कि घाट में पानी भरने के लिए यूज में लेते हैं, तो अभी बस एक पंप चलाया है, तब ये हालात है। अगर जो सातों के साथ चल जाएगा। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा रहे हैं, यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा था, लाइटिंग भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम लोग यहाँ से लक्ष्मण किला की तरफ निकलेंगे, जहाँ पे रामलीला हो रहा था, क्योंकि सरयू नदी के किनारे पे ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम लोग के आते ही मच्छर भगाने वाला गाड़ी भी पहुँच गया है। यहाँ पे अभी तुरंत वो पता नहीं मच्छर मारने वाला फिर गया, तो ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं लक्ष्मण किला पे, जहाँ रामलीला होता है। अंदर जाने के लिए पास चाहिए, बट हम लोग के पास है नहीं पास, हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और जाइए हीरो जाके जाके। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ मंदिर हैं, वहाँ घूमने जाएंगे, तो मैं रेडी हो लेती हूँ, देखती हूँ आप लोग के फिर से रेडी होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग होटल से रवाना हो चुके हैं सुबह का दर्शन के लिए। अभी अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर जाएंगे और सुबह का कैसा नज़ारा है क्या चल रहा है इस बारे में देखेंगे और आनंद लेंगे, और आपको भी आनंद दिलाएंगे भाई अकेले आनंद देंगे। ठीक है, तो अभी सुबह में हम लोग निकल रहे हैं 6:30 बजे, तो अभी दिखाते हैं सुबह का नज़ारा। ये है व्यू होटल का, बाहर का सीन जो है ऐसा है, पूरा अयोध्या दिख रहा है इधर। जय
तो अभी हम लोग सुबह सुबह सीधा हनुमानगढ़ी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि कल रात में ही हम लोग ने ये जो यहाँ पे गाइड जो हैं उनसे बात की है, तो वो बताएं कि यहाँ पे सुबह सुबह ही मतलब 7 बजे से पहले ही हनुमानगढ़ी मंदिर आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाता है सुबह 7 बजे के बाद। तो सुबह सुबह हम लोग सीधा वहीं पहुँच गए हैं, तो अभी हनुमानगढ़ी मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं। और हाँ, यहाँ एक चीज़ है, कभी भी अगर जो आप नए हैं तो बिना गाइड के तो आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना सागरा गली है ना कि आप इधर ही खो जाइएगा। तो गाइड ज़रूर ले लें, तभी आप यहाँ घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ निकल गए हैं, ये काफ़ी हाइट पे था मंदिर, लगभग 250 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे थे। तो आइए हम लोग दर्शन करते हैं मंदिर में, आप लोग भी कराते हैं आप लोगों को। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे मेन मंदिर है, यहाँ पे हमने पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे टीका लगा रही थी, घूमने गई थी, टीका लगा रही थी, पीछे कैमरा देकर रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये पूरा व्यू है मंदिर का, क्योंकि पूजा करने के बाद परिक्रमा करना पड़ता है, यहाँ पे मतलब किया जाता है। तो यहाँ 5 बार परिक्रमा हम लोगों ने किया था, और ये यहाँ मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे होता है ना, यहाँ पे भजन हो रहा था, हरे राम सी हरे राम जो होता है वो भजन हो रहा था यहाँ पे, और पूरा मंदिर पे ही हरे राम सीता राम ऐसे हर कोने में चारों तरफ ऐसे ही लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। हमारा हनुमानगढ़ी का दर्शन भजन हो रहा पूरा हुआ, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले मंदिर की तरफ, चौपाई वगैरह हर चीज। हम लोगों ने गाइड भी एक ले लिया है, तो वो बताएंगे अगले मंदिर कहाँ हम लोग जाना है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है। अभी हम लोग दिखाते हैं जहाँ पहुँचते हैं। ये वो ईंट है, ये सब इंटरलॉकिंग पिलर है, सिर्फ ले जाके बस फंसा देना है, कोई सीमेंट बालू की जरूरत नहीं है। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे राम मंदिर में लगने वाले पत्थर, बाकी अन्य सामग्री मतलब दर्शन करने आए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर कारीगरी है इसमें। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से हम लोग दशरथ महल की तरफ निकल रहे हैं। और ये है दशरथ महल, जो कि बाहर से इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, आइए आप लोग अंदर दिखाते हैं। ये देखिए ये दशरथ महल में, यहाँ पे ये देखिए ये सीता मैया की रसोई है, और यहाँ कुछ भंडारे के लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे एक ऐसे बाबा हैं जो कि 25 साल से बिना भोजन किए बस दूध और फल पे यहाँ पे तप कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग मिले भी, बट वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग वीडियोग्राफी वहाँ नहीं कर पाए। तो अब ये हम लोग आ चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर में, जहाँ की एक बहुत ही अच्छा रामलीला म्यूजियम था, जो कि एक छोटे छोटे पर्दे पर समझिए रामलीला का सारा व्यू दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाया जा रहा है, फूलबारी, और आगे फिर ये धनुष यज्ञ, मतलब हर एक जो भी रामलीला का प्रोसेस सारा कुछ दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कारीगरी था इधर।
कार्टून सेट को बनाया हुआ है, बाहर निकल रहे हैं। ये मेरे रघुराई आकार के बनाया हुआ है, अभी बन रहा है ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो ये है रामलीला स्टेडियम जो अभी नया बन रहा है, आने वाले टाइम में रामलीला यहीं हुआ करेगा। इससे पहले हम लोग राम मंदिर का भी दर्शन किए जो कि मेन मंदिर है, बट वहाँ का हम लोग कोई शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ पहले ही लॉकर में जमा हो गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे।